अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश रखे बाद मुस्कुराते हैं जहाँ पे भी प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं। आज की रेसिपी का आगाज रमजान करीम की बड़ी मजेदार सी और ठंडी ठंडी सी खाई जाने वाली कॉकटेल डिलाइट, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और इतनी मजेदार सी बनी है। किस तरह से रेसिपी तैयार की गई, चले किचन क्लोज अप। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान करीम की ऐसी रेसिपी जिसको आप बना के हर किस्म के फ्रूट चाट को भूल जाएंगे। मैं बना रही हूँ कॉकटेल डिलाइट, जिसको बनाना नहायत आसान है और झटपट से बन जाती है। सबसे पहले मैंने ले लिए टेट्रा पैक की क्रीम का पैकेट लिया था मैंने, हाफ कप पूरा डाल देंगे इसके अंदर। क्रीम डाल देने के बाद मिठास के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप अपने मिठास के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं कोई इसके अंदर डाल ली हूँ 6 से 7 टेबल स्पून। कंडेंस मिल्क डाल देने के बाद इसको हमने आपस में खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो इस डिलाइट का मजा दुबाला कर देगा, 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी जेली फ्लेवर में मैंने जेली लिए, आपने इसके अंदर इसी तरह करके पाउडर फॉर्म में डाल देंगे। अगर आपके पास कोई और फ्लेवर के तो आप किसी और फ्लेवर का भी यूज कर सकते हैं। चले अब एक अदर सर्विंग डिश ले लिए, इसके अंदर हम ये केक रस इस तरह करके रख देते हैं। रख लेने के बाद ये जो कॉकटेल का सिरप था इसके अंदर से हमने निकाल के थोड़ा सा केक रस के ऊपर इस तरह करके देखें डाल देना है। ये देखिए जो हमने क्रीम को अच्छे से फेंट के रखा हुआ था ये इसके ऊपर इस तरह करके हमने डाल देनी है। हमने कॉकटेल रखा हुआ था ये इसका डाल देंगे सारा फ्रूट्स, इसका जो है जितना भी अभी इसमें आ सकता है। एक लेयरिंग हमने और करनी है। अब दोबारा से हमने क्या करना होगा, जो रस केक रस हमने रखे हुए थे वो इसके अंदर दोबारा से हम डाल देंगे। ये देखें अब इसके ऊपर फाइनल लेयर हमने दोबारा से अपनी कर देनी है फ्रूट के कॉकटेल की। ये देखिए कितना झटपट से मजेदार सा हमारा कॉकटेल डिलाइट खाने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन आपने अभी इसको खाना नहीं, थोड़ा सा सब्र रखना है, फ्रिज में रखें इसको 2 से 3 घंटे और ठंडा करें, फिर आप इसको एंजॉय करिएगा, बड़ा मजेदार लगेगी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सकें। इजाजत चाहूंगी, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।